दोस्तों T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल नजदीक है और एक नाम जो चर्चा में था सबसे ज्यादा हार्दिक पांड्या का, उसका T20 वर्ल्ड कप में चयन भी हुआ है। समस्या परे था, आज भी लोग चर्चा करते हैं कि हार्दिक पांड्या को T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आखिरकार शामिल क्यों किया गया था, सिवाय जो हार्दिक पांड्या के अंधभक्त थे उनके अलावा सब चाहते थे कि यहां पर हार्दिक पांड्या को जगह नहीं मिले, या तो आप रियान पराग को लेकर के जाइए, अभी भी वक्त है, आप हार्दिक पांड्या की जगह पर अभिषेक शर्मा को ले जा सकते हैं। और मुझे लगता है इस बात से बहुत लोग एग्री करेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो शायद एग्री ना करें। वो इसलिए एग्री नहीं करेंगे, जो एग्री नहीं करेंगे मैं बता दे रहा हूं क्या रीजन देंगे, कि हार्दिक पांड्या के ऑलराउंडर हैं लेकिन और तेज गेंदबाजी और तेज बैटिंग का ऑप्शन देते हैं, लेकिन वर्तमान में आप बताइए मुझे कॉमेंट करके कि साल दो साल से क्या क्या किया है, क्या उखाड़ा हार्दिक पांड्या ने, कुछ भी नहीं कर पाया ये बंदा, लगातार सिर्फ पैसे के पीछे भागता है, अपने सीनियर्स की भी इज्जत करना नहीं जानता। मुंबई की टीम जो 5-5 ट्रॉफी जीती थी, आईपीएल की सबसे दमदार टीमों में से एक थी, उस टीम को बिल्कुल मट्टी पलीत कर दी है और आईपीएल 2024 से पहली टीम बनी है जो बाहर हो गई है। इसका सिर्फ जिम्मेवार हार्दिक पांड्या है। सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, ये कोई भी आप बड़े 11 चुन लीजिए, इन प्लेयर्स को टीम में जगह जरूर मिलेगी, लेकिन इनकी भी इज्जत करना नहीं जानता हार्दिक पांड्या। तो T20 वर्ल्ड कप में जो शामिल किया गया है, मुंबई का जो माहौल है इतना घटिया है, मैंने आज तक क्रिकेट इतिहास में इस तरीके का माहौल कभी भी किसी भी टीम में नहीं देखा। यहाँ चाहे वो बांग्लादेश की टीम रही हो, इस तरीके का माहौल कभी भी नहीं रहा जो मुंबई इंडियंस का माहौल रहा है। तो क्या थोड़ा सा आप सोच करके देखिए कि जो मुंबई की टीम इंडिया जो वर्ल्ड कप जाएगी, क्या उसमें हार्दिक पांड्या का जो शामिल है वहां पर माहौल क्या सही रहेगा। मुझे लगता है कि इस बार टीम इंडिया का भी जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है बहुत खराब होने वाला है। हार्दिक पांड्या ने पूरी टीम, जहां भी ये बंदा जाता है लगातार वहां पर पूरा कचरा पैदा कर देता है। एक अजीब तरीके का इंसान है ये। क्रिकेट भले खेलता है, मुझे इस तरीके की चीजें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए जाता है, पैसे के लिए सब कुछ ये कर सकता है और अपने सीनियर्स की जो इज्जत नहीं करना चाहेगा। स्पोर्ट्स एक बहुत ही जबरदस्त गेम माना जाता है, स्पोर्ट्स में हमेशा अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट की जाती है, खासतौर से क्रिकेट एक जेंटल गेम है और यहाँ पर अपने सीनियर्स की अगर इज्जत नहीं है, मुझे लगता है कोई भी आप स्पोर्ट्स ले लें, वहां पर अगर आप सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आगे वाली जो आने वाली जनरेशन है वो किस तरीके का अपने और सीनियर्स के साथ जो बिहेव करेगी, तो वहां पर खेल भावना जो है वहां पर कैसे इन चीजों को आप कंट्रोल करेंगे। तो टीम का माहौल यदि अच्छा नहीं होता तो टीम वहां पर भी कई गोटों में बढ़ सकती है। लेकिन रोहित शर्मा है वहां पर, कैप्टन रोहित है, उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हार्दिक पांड्या की इस तरीके के नेचर और एटीट्यूड से जरूर दोस्तों कुछ ना कुछ माहौल खराब हो सकता है। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हार्दिक पांड्या की जो फॉर्म है, क्या 28 तारीख मुझे लगता है, शायद 28 मई है, जो आपकी 15 सदस्यीय टीम है उसमें एक या दो परिवर्तन कर सकते हैं और भी कर सकते हैं, लेकिन क्या अभिषेक शर्मा को वहां पर मौका मिलेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन कमेंट करके आप जरूर बताइएगा क्या टीम इंडिया का जो माहौल है रोहित शर्मा के हार्दिक पांड्या के होने से क्या खराब हो सकता है।